हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सफलता का नशा इंसान को कैसे तबाह कर देता है, इसका जीता जागता उदाहरण मशहूर अदाकार लिलीपुट हैं। 80 के दशक के इस महान अभिनेता को घमंड ले डूबा। चलिए आज आपको लिलीपुट की कामयाबी से लेकर बर्बादी का पूरा सच बताते हैं। हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में 3.5 फीट का एक अभिनेता बड़ा मशहूर हुआ करता था। लोग उसे लिलीपुट कहा करते। छोटे कद के लिलीपुट को देखकर हंसते, मगर ज्यादातर तो उनके असली नाम से भी वाकिफ नहीं। असल में वो बिहार के गया में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे M.M. फारूकी हैं, यानी मिसबाह मुद्दीन फारूकी। अब वो लिलीपुट कैसे बन गए, ये किस्सा भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले बताते हैं कि वो हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंचे। साधारण से मुस्लिम परिवार में जन्मे लिलीपुट का दूर दूर तक सिनेमा से कोई नाता नहीं था, बस उनके दिल में अभिनय बसा करता था। इसी वजह से मजहब की बंदिश तोड़कर गांव में जब भी सरस्वती पूजा होती तो दोस्तों के साथ वहां नाटक में हिस्सा लेने पहुंच जाते। बौने कद का लोग मजाक भी उड़ाते, मगर वो सब कुछ सहकर अभिनय करते और लोगों को हंसाया करते थे। वैसे वो शुरू से बौने नहीं थे, वो एक सामान्य बच्चे की तरह ही बड़े हो रहे थे। अचानक 14 साल की उम्र में उनके घुटने मुड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर को दिखाया गया तो वो बोले कि पैर तो सीधे हो जाएंगे, मगर उनका कद और नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से लिलीपुट की टांगें छोटी रह गई, बस कमर के ऊपर का भाग आम लोगों की तरह बढ़ता गया। एक बार उनके दोस्त ने कहा कि वो बॉलीवुड क्यों नहीं जाते, वहां महमूद के साथ काम करें तो बड़े हास्य कलाकार बन सकते हैं। लिलीपुट बीए पास थे, मगर जेब में रुपए नहीं थे, तो उसी दोस्त ने 150 रुपए देकर बंबई रवाना कर दिया। ट्रेन में टिकट बुक करवाया तो M.M. फारूकी की जगह पहली बार नाम लिखा लिलीपुट। इस नाम के पीछे का किस्सा भी जानिए। हुआ ये था कि 1973 में गया जिले के मशहूर मिर्जा गालिब कॉलेज में प्रतियोगिता थी। फारूकी ने उसमें स्टेज पर लोगों को खूब हंसाया और पहला पुरस्कार जीत लिया। अगले दिन अखबार में जब नाम देखा तो कुमारी फारूकी लिखा हुआ था। उनको समझ में आया कि कोई ऐसा नाम रखा जाए जो लोगों को एक बार में ही याद रह जाए। अभिनेता को गुलिवर ट्रेवल्स की कहानी बड़ी पसंद थी। इसी किताब से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम लिलीपुट रख लिया था। खैर, 1975 को वो गया से बंबई पहुंचे। काम तलाशते रहे लेकिन मिला नहीं। जेब में पैसे नहीं थे तो पोस्टर चिपकाने का काम करने लगे। वो काम गया तो मजदूरों के साथ गड्ढे खोदते तो कभी होल्डिंग लगाते, मगर संघर्ष रंग लाया और वो बड़े थिएटरों में नाटक करने लगे। लिखने में भी माहिर थे तो फिल्मों और सीरियल की कहानियां भी लिखने लगे। आत्माराम जी ने तो उनको फिल्म शरारत लिखने के लिए अपने ऑफिस में सोने की जगह भी दे दी थी। कुछ ही सालों में किस्मत ने और साथ दिया और उनको रामानंद सागर ने बुला लिया। उन्होंने अपनी फिल्म चिंगारी में अभिनय का मौका दे दिया। सागर जी ने काम दिया तो 5-6 फिल्में और मिल गईं। दूरदर्शन के टीवी शो इधर उधर की कहानी लिखने का भी मौका मिल गया। अब लिलीपुट की किस्मत चमक गई। एक साथ कई फिल्मों में एक्टिंग और टीवी शो में लेखन ने घमंड भी ला दिया। नसीब साथ दे रहा था कि अचानक मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई के ऑफर ने तो उनका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। वो अमिताभ के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसकी कहानी थी कि एक बौना आदमी लंबे लोगों से नफरत करता था। घई ने उनको एक नाटक में एक्टिंग करते देखा था। लिलीपुट का अभिनय इतना पसंद आया कि अमिताभ के साथ उस बौने मेन विलेन का किरदार ऑफर कर दिया। लिलीपुट के इस ऑफर ने होश उड़ा दिए। सुभाष ने उनको मोटा वेतन, गाड़ी, घर सब देने का वादा किया था, जिसके सपने वो देखने लगे। हाँ, सुभाष घई ने इनसे इतना जरूर कहा कि बाकी फिल्में छोड़ दो। दोस्तों, यहीं से उनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। सफलता के नशे में चूर लिलीपुट ने ज्यादातर फिल्मों को छोड़ दिया और अमिताभ के साथ मेन विलेन बनने का ख्वाब देखने लगे। उनके दोस्त ने ऐसा करने से मना किया, मगर वो नहीं माने।
मगर किस्मत का खेल अभी बाकी था। 1982 की बात है, सुभाष ने लिलीपुट को महबूब स्टूडियो बुलाया और बोले कि अमित जी के साथ बनने वाली फिल्म बंद कर रहा हूं, उनकी तबीयत खराब है। असल में कोली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को जानलेवा चोट लग गई थी, सुभाष उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिल्म बंद होने की बात सुनते ही लिलीपुट का तो जैसे सपना ही चूर चूर हो गया। अमिताभ के साथ फिल्म बंद हो चुकी थी और दूसरी फिल्में वो छोड़ चुके थे, जहां से शुरू किया वहीं वापस पहुंच गए। खैर, 3 साल के संघर्ष के बाद फिर किस्मत ने साथ दिया और कमल हसन की सागर फिल्म में चीना का किरदार मिल गया। फिल्म हिट हो गई मगर उनको बहुत फायदा तो नहीं मिला। बड़े पर्दे पर दाल न गलती देख उन्होंने टीवी का रुख कर लिया। इधर उधर विक्रम और बेताल, देख भाई देख और जबान संभाल के जैसे शो से अच्छी पहचान मिली तो करियर फिर से हिट हो गया। 1998 में हॉरर शो वो से खूब शोहरत बटोरी। इसके बाद बॉलीवुड के ऑफर फिर से आने लग गए। हुकूमत वो फिर आएगी, आंटी नंबर वन, शरारत और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया, मगर फिर सफलता का नशा चढ़ने लगा जो इस बार इनका करियर ही ले डूबा। असल में लिलीपुट अपने कद को लेकर बहुत हीन भावना से ग्रसित थे। जब थोड़े मशहूर हो गए तो ऐसी फिल्मों के ऑफर ही ठुकराने शुरू कर दिए जो इनके कद को लेकर बनाए गए थे। फिल्म की डिमांड से इनको कोई मतलब नहीं रह गया। बौनेपन से जुड़े किरदारों को मना करते गए और दमदार रोल के इंतजार में बैठे रहे। अमिताभ से लेकर कमल हसन ने इनको कई मौके दिए। जावेद अख्तर ने मिलकर समझाया। देवानंद के चौथे में ऋषि कपूर ने तो यहां तक कह दिया कि लिली तू दिखता क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करता है, मगर लिलीपुट अपनी ही धुन में बैठे रहे और यही बात इनकी तबाही की वजह बन गई। साल 2012 में इनको काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, मगर खर्चे बढ़ते गए। दोस्तों से कर्ज लेकर जिंदगी की गाड़ी बढ़ने लगी, फिर दोस्तों के कर्ज में डूब गए। सालों तक काम की तलाश में भटकते रहे मगर किसी ने नहीं पूछा। कई साल तो स्क्रिप्ट लेकर प्रोड्यूसरों के चक्कर काटते रहे मगर कुछ टाल जाते और कुछ तो सामने ही बोल देते कि बौने उठकर चले आते हैं डायरेक्टर बनने। एक समय तो ऐसा आ गया कि इनके पास रहने को घर तक नहीं था, मजबूर होकर इन्हें अपनी बेटी के घर जाकर रहना पड़ा था। 80 के दशक का मशहूर कलाकार सफलता के नशे में खुद को गुमनाम कर चुका था। वैसे लिलीपुट शादीशुदा हैं और 2 बेटियों व 1 बेटे के पिता हैं। मुंबई में ही रहते हैं और कभी कभार वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। हाल ही में मिर्जापुर वेब सीरीज में दद्दा त्यागी की भूमिका में नजर आए थे, मगर 40 साल के करियर के बाद भी ये महान अभिनेता गुमनाम ही रह गया। दोस्तों, आपको लिलीपुट याद हैं? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।